नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं थाई एसयूवी के सामने जिसका नाम है फोर्ड एंडेवर। 2003 में लॉन्च हुई थी और ये 2014 का सेकेंड जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ डीजल में आती थी, रेंज शुरू होती थी एक्स शोरूम 19 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत थी 24 लाख रुपीज़। और ये टॉप मॉडल 4x4 ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं। 2015 से इसको थर्ड जनरेशन एंडेवर ने रिप्लेस कर दिया है, जिसकी प्राइस आज शुरू होती है ऑन रोड 33 लाख रुपीज़ से। फोर्ड एवरेस्ट भी कहा जाता है एंडेवर को कुछ कंट्रीज़ में। मैजडा BT-50 पर बनी है फोर्ड एंडेवर, जिस पे फोर्ड रेंजर भी बनी थी। थाईलैंड, वियतनाम, कोलंबिया और चाइना में असेंबली होती थी एंडेवर की। 7-सीटर एसयूवी है, अपने समय की काफ़ी फेमस एसयूवी रही है एंडेवर। मैजडा BT-50 पर बनी है ये एंडेवर। और ये फॉग लैम्प और ये फुल क्रोम रेडिएटर ग्रिल, एंडेवर की एम्बॉसिंग, फोर्ड का लोगो और ये रैप अराउंड हेलोजन हेडलैम्प, दो वाइपर्स, एंटेना है, रूफ रेल्स, फोर्ड के ओरिजिनल डोर वाइजर हैं, पावर फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स हैं इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और इंडिकेटर के साथ, और ये ग्राफिक्स, 5-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का स्टिकर, एंडेवर का लोगो, एल्युमिनियम रनिंग बोर्ड है, साइड बॉडी क्लैडिंग है, 5 मीटर लेंथ है, 1.8 मीटर हाइट है, 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और 2000 kg कर्ब वेट है एंडेवर का। और ये हैं 16-इंच के अलॉय व्हील, आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर्स हैं। ये वाइट कलर आप देख रहे हैं, ग्रे, पर्पल, ब्लैक और सिल्वर कलर का भी ऑप्शन आता था। फ्रंट इंजन और रियर व्हील ड्राइव है एंडेवर। स्पेयर व्हील कवर पे भी माउंट एवरेस्ट का स्केच है, क्योंकि एंडेवर का दूसरा नाम फोर्ड एवरेस्ट है। एंडेवर का पिकअप ट्रक मॉडल भी आता था, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं था। रियर लाइट, एंडेवर का स्टिकर, रियर कैमरा, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है बेहतर रोड ग्रिप के लिए। ये एग्जॉस्ट टेल पाइप, फोर्ड का लोगो, रियर वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और ये है लॉकेबल स्पेयर व्हील कवर, और ये टेल लैंप। ये 4x4 वेरिएंट है, 4x2 का भी ऑप्शन आता था। आगे टॉर्जियन बार स्प्रिंग और स्टेबलाइजर बार के साथ इंडिपेंडेंट डबल विशबोन सस्पेंशन मिलेंगे, और पीछे लो फ्रिक्शन पैड्स के साथ प्रोग्रेसिव लीनियर रेट लीफ स्प्रिंग्स मिलेंगे। ट्यूबुलर डबल एक्टिंग गैस फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर हैं। सेफ्टी के अंदर 4 एयरबैग्स, ABS, EBD, रिमोट कीलेस एंट्री, एंटी थेफ्ट अलार्म, रियर कैमरा और सीट बेल्ट प्री टेंशनर और लोड लिमिटर के साथ मिलेंगे। 2 साल की वारंटी फोर्ड देती थी एंडेवर पे। थाईलैंड में ओरिजिनली बनी थी फोर्ड एंडेवर। सेवन सीटर एसयूवी है। आइए पीछे का बूट खोलकर देखते हैं। तो यहाँ डोर पे पॉकेट है, हैंडल बार दिया गया है, और यहाँ मिलेगी आपको लगभग 100 लीटर की बूट स्पेस। रूफ पे एसी वेंट है। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं।
सिक्स स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा एंडेवर में, और नीचे बॉटल होल्डर, काफ़ी स्पेस है, वुड फिनिश, थोड़ी स्पेस, पावर विंडो का बटन, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट, और ये है बीज लेदर अपहोल्स्ट्री, दो हेडरेस्ट मिलेंगे, सीट के पीछे पॉकेट दी गई हैं, रूफ पे एसी वेंट हैं, और ये दो ग्लास होल्डर्स हैं, ये एश्ट्रे कैन, और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब मिलेगा, ये दो रीडिंग लाइट्स हैं, एसी के कंट्रोल्स हैं, एसी वेंट, और ये है निपॉन का 9-inch डीवीडी प्लेयर, और ये प्ले, म्यूट, इजेक्ट और पावर के बटन्स हैं, और यहां से फोल्ड हो जाएगी सेकंड रो, और ऐसे दिखती है थर्ड रो सीट, हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे, साइड में बॉटल होल्डर है, इस तरफ भी बॉटल होल्डर दिया गया है, यहाँ पे लाइट दी गई है, और यहाँ पर है टूल किट, ऐसे थर्ड रो फोल्ड हो जाती है, और ये सीट के पीछे पॉकेट दी गई है, और ये निपॉन की स्क्रीन ऑन हो गई है, आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं, तो ड्राइवर साइड वन टच डाउन पावर विंडो मिलेगी, ये बॉटल होल्डर, स्पीकर, वुड फिनिश, थोड़ी स्पेस दी गई है, पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, ORVM के कंट्रोल्स हैं, स्पीकर, लिमिटेड स्कफ प्लेट, कार ऑन कर लेते हैं, फ्यूल लिट खोलने का बटन है, बोनेट खोलने का लीवर, स्पोर्टी पेडल्स, और यहाँ से भरेंगे डीजल, और ये है वेरिएबल पावर असिस्ट और टिल्ट स्टीयरिंग, ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, आर्मरेस्ट के अंदर भी थोड़ी स्पेस है, और यहाँ और ज़्यादा स्पेस दी गई है, और ये है borg-warner ट्रांसफ़र केस, फोर व्हील टू व्हील ड्राइव मोड्स हैं, और ये है 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन आता था, दो ग्लास होल्डर्स हैं, आगे थोड़ी स्पेस है, दो 12V के चार्जिंग पोर्ट हैं, और ये है मैनुअल एसी, और ये है कैनवुड का LCD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा DVD, CD, AUX, ब्लूटूथ, सैटेलाइट नेविगेशन, रेडियो और FM, हैंड्स फ्री, फोन बुक, ग्राफिक इक्वलाइजर, नेविगेशन, टेलीफोन, ट्यूनर, DVD, USB, SD कार्ड, और ये है इन डैश 6 CD चेंजर, और ये डैशबोर्ड की फिनिश, ग्लो बॉक्स, और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, रियर व्यू मिरर, और यहाँ दो सनग्लास होल्डर मिलेंगे, और ये ड्राइवर साइड सन वाइजर, और ये है 4-spoke बॉल एंड नट टाइप स्टीयरिंग,
लाइट के कंट्रोल्स हैं, ये वाइपर के कंट्रोल्स, रियर एसी का बटन है, मैनुअल हैंड ब्रेक, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा आरपीएम, स्पीड, फ्यूल लेवल, कूलेंट टेम्परेचर और गियर शिफ्ट, और ये ट्रिप मीटर, दो ट्रिप मीटर दिए गए हैं। शानदार सीट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री है, आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। तो ये है 3000 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर डीओएचसी डायरेक्ट इंजेक्शन कॉमन रेल ड्यूराटॉर्क टीडीसीआई इंजन वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर वीजीटी के साथ। 154 हॉर्स पावर है, 380 एनएम टॉर्क है और 11 का एवरेज मिलेगा 71 लीटर के फ्यूल टैंक से। डीजल में एक और इंजन आता था 2500 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर ड्यूराटॉर्क टीडीसीआई इंजन वीजीटी के साथ, उसकी थी 140 हॉर्स पावर, 330 एनएम टॉर्क और वो देता था 13 का एवरेज, और ये 3000 सीसी इंजन आपको देगा 11 का एवरेज और 154 हॉर्स पावर। तो कैसे लगी आपको फोर्ड एंडेवर हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।